तो गाइस पार्किंग में हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी कुछ था मतलब उन्होंने टिकट वगैरह देख लिया है, तो बाइक से चलते हैं सीधा लाल किला। इधर तो एक्शन कैम में अपना स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आगरा के नजारे। चलिए तो चलते हैं लाल किला। चलिए तो गाइस चलते हैं। तो गाइस इनमें गए थे हम बैठ के और आ गए हम पैदल ही छाया थी इस साइड। तो यहाँ से लगभग लाल किला 1 किलोमीटर। तो चलिए करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट और चलते हैं लाल किला। तो लाल किला में बता रहे हैं अभी मैंने पार्किंग वाले से कंफर्म किया है कि बैग वैग वहाँ पे भी जमा करवाने पड़ेंगे और फ्री में लॉकर मिलता है वहाँ पे। और पर पर्सन का टिकट है वहाँ 45 रुपये का। चलिए तो चलते हैं। तो गाइस देखिए लाल परी आगरा में घूम रही है। भाई साहब मजा आ गया बाइक पे बैठ के, जो हवा लग रही है ना दिल बाग बाग हो गया। देखिए यहीं से दिखने लगा है लाल किला और आई थिंक लोग बाग इसे आगरा फोर्ट भी कहते हैं, पर मैंने लाल किला ही सुन रखा है कि आगरा में लाल किला है। वैसे है लाल किला, मैं यहाँ भी आ चुका हूँ, पर इसे आगरा फोर्ट भी कहते हैं। तो इधर लेना है गाइस हमें यहाँ से लेफ्ट आगरा फोर्ट के लिए। यहाँ से आगरा फोर्ट बचता है 0.2 किलोमीटर, 200 मीटर देखे। तो यहाँ से फोटो वोटो क्लिक करते हैं, यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप साइड के नज़ारे। तो गाइस देखिए मेन रास्ता तो यहाँ से है जाने का अंदर, और बाइक पार्किंग ढूंढते हैं। तो आगरा के किला में आ चुके हैं। भैया पार्किंग वगैरह कहाँ है? अच्छा यहाँ पहले बस वस भी यही हुआ है खड़ी अंदर, बहुत बड़ा था वो ग्राउंड सा। तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, हमारे हम बस में आए थे तो बस भी यहीं पे खड़ी होती है। अबे यार देखिए कितनी तगड़ी धूप में बाइक पार्किंग करवाएंगे, हालत ख़राब होने वाली है वापस आने के बाद। चलिए तो चलते हैं अंदर और कटवाते हैं पर्ची वगैरह पार्किंग की और चलते हैं फिर अंदर। हम पार्किंग में बाइक खड़ी करके, और मैं बता देता हूँ ये पार्किंग वाले पागल बनाते हैं, ये कहते हैं कि बैग वैग भी यहीं रख दो, हेलमेट यहीं रख दो तो चोरी होने का डर रहता है। लॉकर यहाँ पे फ्री लॉकर है जो भी मैंने पूछा था वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर, आ चुके हैं मेन गेट पे और ये रे लॉकर। चलिए तो बैग वैग जमा कराते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर कर रखा है बार कोड वाला कि यहीं से टिकट वगैरह करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, राजा भी कर रहा है तो लॉकर वाले भी ये कह रहे हैं पहले टिकट करवा लो अपना फिर सामान रख लेना। तो राजा चेक कर रहा है कि हो रहा है ऑनलाइन या नहीं, अगर ऑनलाइन हो गया तो चलते हैं अभी, फिर पता नहीं क्या होगा। वैसे हमने साइबर कैफे पूछा यहाँ इनसे लॉकर वालों से, तो वो बता रहे हैं यहाँ से 500 मीटर आगे है। तो देखते हैं, आई होप हो ही जाए, सिग्नल यहाँ पे आ रहे होंगे या नहीं। वैसे नेटवर्क तो यहाँ पे आ रहे हैं, देखते चलता है या नहीं ढंग से नेट। गाइस पता नहीं है क्या ड्रामे हो रहे हैं, टिकट हो ही नहीं रहा, मैं आधे घंटे से ज्यादा हो चुका। तो अब हम ये घोड़ा बुग्गी सी है, घोड़ा तांगा, तो इसमें चल रहे हैं। यहाँ से मार्केट है 500 मीटर दूर, लगभग 1 किलोमीटर, तो वहाँ टिकट वगैरह भी मिल जाएंगे। अंकल बता रहे हैं साइबर कैफे और ये हमें थोड़ा बहुत घुमाएंगे भी। चलिए तो इनके साथ चलते हैं लाल किले को छोड़ के आगरा किला को। चलिए तो चलते हैं। फाइनली बैठ चुके हैं, ये रहा राजा।
गाइस टिकट हमें मिल चुके हैं यहाँ से, बाजार में आए थे हम। पीछे आपको तांगा दिख रहा होगा, तो हम आ चुके हैं आगरा किला के यहाँ। तो आगरा किला ही कहते हैं, हमने घोड़े वाले से पूछा तो सारा कमीशन वगैरह ही रहता है वैसे तो हमें मार्केट में ले गए। मुश्किल से 600-700 मीटर दूर थी और हमारा यहाँ पे दो टिकट बनाने पड़ते हैं, एक 35 रुपये का है, मतलब एक 35 रुपये का करना पड़ता है और एक 10 वाला। तो 35 वाला हमारा वहाँ से बन चुका है, 10 वाला यहाँ से करते हैं, वो इजीली हो जाएगा यहाँ से स्कैन। 35 वाला ये 10 का यहाँ जमा करा दिया, हम लेट हो रहे हैं बहुत, चलो ये तो चलते हैं जल्दी। तो गाइस यहाँ से आए हैं अभी चिली, तो चलते हैं अंदर। तो ये रहा राजा, चले तो एक दो फोटो क्लिक कर देता हूँ, इसको बहुत देर से डिमांड कर रहा है, आराम से देखो बुला रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे आ गया, मुझे पता है यहाँ पे आगे जाके एक गार्डन सा है और साइड में ये सारा महल सा है। आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी यादें ताजा सी हो रही है पुरानी, बचपन में आया था जब मैं, नहीं चल रहे हैं यहाँ चल रहे हैं। तो देखिए गाइस ये जो बाहर से बाउंड्री दिखती है वो है, और अंदर देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जहांगीर का सारा ये इस साइड वो है, बेडरूम वगैरह और वॉशरूम सारा कुछ। गाइस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल किला है आगरा किला। वो अभी यहाँ की सारी मैंने आपको क्लिप दिखा दी है, तो वैसे हम गाइड ले सकते थे पर हम लेट हो चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा मतलब जितना भी ये किला है तो ये जहांगीर का ही किला है, मतलब उनकी जो बेटी वगैरह थी उनका दूसरी साइड है, तो पहले हम यही देख रहे हैं। यहाँ से आए हम, यहाँ चलते हैं। ओ वाओ
जेल है सामने, भी जेल सी लग रही है। देखिए गाइस ये किस तरह बन रहा है, यहाँ पे नाली बन रही है अंदर से, और ये पता नहीं क्या है, ये आई थिंक जेल टाइप की है। देखिए आपको दिख रहा होगा उस साइड भी दे रखा है, जेल के जो गेट रहते हैं। और देखिए क्या भूत भुलैया सी है, मैं और राजा खो चुके हैं। देखिए जीना भी है ऊपर जाने का, तो लॉक लग रहा है, आई थिंक बंद कर रखा होगा, देखता हूँ मैं साइड। देखिए ये है वो किला जो मैं अभी आपको बता रहा था, देखिए ये सारा किला है वो, तो इसे हम बाद में देखेंगे। उधर ही चलता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से शॉर्टकट मार के इस साइड आ गया हूँ। तो राजा और मैं इस टाइम अलग अलग हो चुके हैं, पता नहीं वो भी कहाँ होगा, वो भी ढूंढ रहा होगा मुझे। तो यहाँ पे कोई नहीं है, ये रहा राजा। कहाँ से आए थे हम? अभी यहाँ से आए थे ना, तो अभी हम यहाँ से वापस आ चुके हैं, जो मैंने अभी दिखाया था आपको दूसरा वाला किला, तो इधर से चलते हैं। तो देखिए अभी हम इसके भी उस साइड तक यहाँ गए जो सबसे पहले जो मैं गोल राउंड दिखा रहा था, और यहाँ से पीछे का व्यू देखें। और देखिए यहाँ से बिल्कुल पीछे के व्यू से दिखता है ताजमहल, वो दिख रहा ताजमहल। देखिए यहाँ तो घूम चुके हैं हम, अब हम साइड से चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं दूसरे वाले किले में। तो जितनी मुझे स्टोरी पता है मैं उतना आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए पता नहीं क्या, ये आई थिंक बाद में ये बंद कर रखे हैं गेट वगैरह, क्योंकि अजीब से लग रहा है, वैसे यहाँ से गेट ही होगा। साइड वाले किले में तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राजा इस साइड ही गया। तो देखिए गाइस यहाँ से भी दिख रहा है ताजमहल, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए गाइज मैं आपको बताता हूँ कि पहले किला के साइड में देखिए ये इतना गड्ढा जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे पानी भर देते थे और इसमें मगरमच्छ वगैरह रहते थे सिक्योरिटी के लिए, कि कोई अंदर ना आ सके, और आएगा भी तो उसकी जान को रिस्क होगा। देखिए अभी इस गेट से हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये देखते हैं साइड का पार्ट। और पहले ऊपर भी जाया करते थे, अब पता नहीं, आई थिंक कोई बंदा दिख नहीं रहा ऊपर, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, ये जो ये वाला दिख रहा है आपको फर्स्ट फ्लोर, आई थिंक अब बंद कर रखा है, पूछूंगा मैं, आई थिंक अब फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना बंद कर रखा है, मैं पूछता हूँ किसी से। भैया ऊपर नहीं जाते अब इससे, है जी ऊपर नहीं जा सकते, पहले तो जाते थे ना,
लास्ट 5-6 साल पहले। हाँ तो अभी भैया से मैंने पूछा है, मना ही कर रहे हैं भैया कि बंद कर रखा है ऊपर जाना। अब मैं ऊपर भी जा चुका हूँ, तो देखिए गाइस ऊपर तो जाना बंद ही कर रखा है। जब तो मैं साइड से दिखाता हूँ आपको। तो और आगे आ चुके हैं गाइस। फाइनली ऊपर आ चुके हैं हम, पता नहीं कहाँ पे आए हम। वैसे एक गेट था तो वो खुल रहा था तो हम ऊपर ही आ गए। देखते हैं अब यहाँ। तो देखिए गाइस ये है मीना मस्जिद और यहाँ पे भी लॉक लगा रखा है। बताता हूँ मैं आपको ऊपर का, तो यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं। मैंने नहीं देखा अभी ऊपर का नजारा, मेरे से पहले आपने देख लिया। अबे वो पागल बना रहा था क्या? तो गाइस गाइड वाला मेरा पागल बना रहा था। अभी भी ऊपर आ सकते हैं, देखिए ऊपर आ गए हम। यहाँ कह रहा था मैं ऊपर। गाइस देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो थोड़ा मैं यहाँ की स्टोरी बता दूँ। देखिए आपको यहाँ पे गोला दिख रहा होगा। हाँ तो देखिए आपको यहाँ पे गोला दिख रहा होगा। यहाँ पे जब हमला हुआ था तो मैं बताता हूँ आपको, तो वो गोला सीधा आके यहाँ पे गिरा था, तो यहाँ से बाउंस करके वो गोला डायरेक्ट वहाँ पे गया था। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे देखिए कितना तगड़ा होल कर रखा है। तो वो दो गोला किस तरह का होता होगा पहले, और मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ किले के बाहर के नज़ारे। तो अभी हम वहाँ पे थे, तो अब हम यहाँ आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, ये जो आपको बॉक्स से दिख रहे होंगे विंडो सी छोटी छोटी, तो यहाँ से तोप बाहर निकाल ली जाती थी। तोप का मुंह बाहर होता था और अंदर, और तोप चलाने वाला अंदर, तो इसलिए तोप जो चलाता था उसके लिए सेफ्टी रहती थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी दीवार रहती थी। और देखिए कितना बड़ा किला है ये। अभी भी हमारा बहुत किला बचा हुआ है, तो हम एंड तक चलते हैं। और देखिए यहाँ से भी ताजमहल दिख रहा है। तो ताजमहल का यहाँ से आपको जो साइज़ दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज़ बाद में बताऊँगा। तो आप बस यहाँ पर साइज़ नोट करें, और जब हम उस कोने में जाके ताजमहल को देखेंगे फिर देखना उसका साइज़। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि ताजमहल कितना दिख रहा है। और फिर अब हम वहाँ पे चल के देखेंगे, पहले इस साइड चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना ज़रूर उसका, चाहे बैक करके ले लो एक सेकंड के लिए, और फिर मैं आपको उस साइड चल के दिखाता हूँ नज़ारे, और थोड़ा बहुत नीचे का बताता हूँ। जो मैं कह रहा था सिक्योरिटी गार्ड ने पागल बना दिया, तो वो सही कह रहा था, वहाँ जाना बंद है। दूसरा पार्ट है, ये बिल्कुल सेम सा लगता है, जो उसके साइड वाला है वो अलग है, उसकी भी अलग स्टोरी है पूरी, मतलब अलग किला है वो भी, दूसरी रानी का, जहांगीर की बेटी का मतलब। तो वहाँ पे मैं बताता हूँ, वहाँ पे उस वाले में उसकी स्टोरी वहीं पर जाके बताऊंगा, यहाँ का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और देखिए आप यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा अगर आपको डीपली जानना है यहाँ के बारे में तो आप गाइड कर सकते हैं, जितना मुझे पता है मैं उतना आपसे शेयर कर रहा हूँ। कैसा रास्ता है, ये देखिए, ये भी कमरा होगा, ये बंद कर रखा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं इस कोने पे आ चुका हूँ, जो मैं आपसे कह रहा था। तो अब नोट करिए, तो एक स्क्रीनशॉट और ले लें और फिर दोनों को मैच करें। तो यहाँ से देखिए आपको ताजमहल का साइज़ बहुत बड़ा लग रहा होगा वहाँ के मुकाबले, जब हम वहाँ पे खड़े थे तो देख सकते हैं हम। चलिए तो राजा आगे जा चुका है, चलते हैं और आगे। और देखिए इतने सारे कमरे बने हुए हैं, एक रास्ता और है, पता नहीं राजा कहाँ गया। ये कुछ खुफिया ही गेट है। कहाँ गया लड़का येरा?
तो देखिए यहाँ अलग ही जगह आ चुके हैं, तो बहुत ही बड़ा किला है। तो गाइस देखिए, आप ये देख के समझ चुके होंगे, आपने अगर मतलब पहले कुछ वो देखा होगा महाराजा का मूवी वगैरह या सीरियल वगैरह, तो यहाँ पे महाराजा जहांगीर बैठते थे, तो आपको मतलब देखने में स्ट्रक्चर पता लग रहा होगा कि कैसे ऊपर बैठते थे और यहाँ पे सारी प्रजा वगैरह सब यहाँ पे रहते थे। तो गाइस देखिए, ये पता नहीं क्या है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। गाइस देखिए, यहाँ से हम आ चुके, जो मैं बता रहा था महाराजा जहांगीर यहाँ पे बैठते थे, और देखिए यहाँ पे रखी है उसी जमाने की तोप। तो गाइस देखिए, ये है इतनी पुरानी तोप, तो देख सकते हैं आप। तो ये ब्रिटिश तोप है, तो देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक लग रही है, और बहुत ही बड़ी है ये, वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, बिल्कुल लोहे की रहती है। चलिए तो अब इस साइड और चलते हैं, हमारा इस साइड का पार्ट और बच रहा है। तो गाइस देखिए, अभी हम उधर से आए हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये है रतन सिंह की हवेली, लिखा है यहाँ पे, और इस साइड भी है कुछ, ये भी बंद कर रखा है पार्ट सारा, तो यहाँ पे काम चल रहा है कुछ अभी अंदर। तो देखिए गाइस, अभी राजा कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा है कि हम इस गेट से आए थे पर यहाँ से नहीं आए थे। देखो आपको वहाँ पे हमने जो दिखाया था जहांगीर की, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे बेडरूम वगैरह सब कुछ है, तो वो है ही नहीं यहाँ पे। तो आप भी बिल्कुल यहाँ पे आओगे तो आपको भूत भुलैया लगेगा, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। हवेली के अंदर जाओगे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन से रूम में घुसे थे, कहाँ आ गए हम एकदम। तो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हवेली, तो और एक्सप्लोर करते हैं किला कुछ के। देखिए यहाँ पे जब सारी जनता इकट्ठी रहती होगी, क्या माहौल रहता होगा यहाँ पे। तो गाइस देखिए, ये तो गाइस देखिए प्राचीन कुआ है, और मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ इसमें गूंज रही है मेरी आवाज़, और देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा नीचे इसमें कुछ तहखाना सा है, तो पता नहीं क्या है ये। मेन गेट के यहाँ आ चुके हैं, हम यहाँ से राइट मुड़ गए थे, तो अब ये रहा वापस जाने का रास्ता, और तो हमने सारा आगरा का किला एक्सप्लोर कर लिया है। गाइस देखिए, हम यहाँ से आए तो यहाँ से हमने एंट्री करी थी, तो हम पूरा किला घूम के आ चुके हैं। तो गाइस अब यहीं पे आ गए हैं, अब जहाँ से स्टार्टिंग करी थी हमने, तो हमारा आई थिंक वहाँ पे हम देखते हैं ऊपर जीना सा बन रहा है, तो जहाँ पे मतलब युद्ध होता था, तो जो सिपाही वगैरह वहाँ पे तोप वोप चलाते थे, तो देखते हैं, हमें लग रहा है कि वहाँ पे भी जा सकते हैं हम। तो चल के देखते हैं क्या सीन है वहाँ का, कि ऊपर जा सकते हैं नहीं जा सकते होंगे, तो जरूर जाएंगे। और देखिए साइड में ग्रीनरी दिख रही होगी, और ये आपका ऐसा लग रहा होगा प्लेन है, पर ये नीचे को रास्ता जा रहा है जहाँ से हम आए थे, यहाँ से एंट्री ली थी। मैं दिखाता हूँ साइड के नज़ारे, यहाँ आ चुके हम, यहाँ से एंट्री ली थी, और ये है इधर का पोर्शन। इधर का पोर्शन मैं भी फर्स्ट टाइम घूम रहा हूँ, मैं भी इस साइड नहीं आया, मैंने भी पहले जो आ चुका हूँ मैं बचपन में यहाँ पे, मतलब 4-5 साल पहले, तो उस साइड का सारा देख रखा है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो इमारत भी, है यहाँ पे, जो किला की दीवार है ये भी टूटी हुई दिख रही है काफी। तो देखिए गाइस, नीचे भी रास्ता है, जेल वेल सी गया, यह लग रही है जेल सी तो कुछ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे भी ताला लग रहा है, और ये भूत भुलैया। देखिए ये जो पोर्शन है इस साइड का, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, तो मैं और राजा घूम रहे हैं बस यहाँ पे।
ये जो अंदर यहाँ पे लॉक लगा रखा है, ये भी देखे यहाँ से नाली है, कैसे नाली आया करती थी पहले, बिल्कुल मतलब ये देखे गेट के नीचे से, और फिर भी देखे गेट के नीचे, ये नहीं है कि यहाँ पे खुला हुआ ही छोड़ रखा है, तो यहाँ पे भी पूरी दीवार करके ऐसे नाली आती है। और देखे यहाँ पे कुंडी लग रही है नीचे, बिल्कुल खाई है, और अभी भी हम किले के अंदर है, ये नहीं है कि लास्ट पॉइंट है। देखिए बाउंड्री जो रहती थी कितनी दूर रहती थी, और वो दिख रहा सामने ताजमहल। तो देखिए यहाँ भी अंदर आ चुके हैं हम, और देखिए यहाँ पे आई थिंक ये बाद में लगा रखे हैं, क्योंकि आगे जो दिख रही होगी आपको ये विंडो पूरी, यहाँ पे कोई जाली वाली नहीं है, तो इसलिए यहीं पे गेट लगा रखे हैं। अरे देखिए यहाँ पे गेट खुल रहा है, तो हम यहाँ आ चुके हैं। जब मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ नहीं आ सकते, वाओ, तो ये असली नजारा। देखिए राजा ने ये गेट जो बनता है ये भी खोल दिया, पब्लिक आराम से यहीं से आए, ये नहीं कितना घूम के हम। तो गाइज यहाँ पे आके लग रहा है इसलिए कि हम उसी टाइम में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल किला की फील है। देखिए मैं कहाँ पे बैठा हूँ, साइड में एक पूरा किला है, और देखिए वो दिख रहा ताजमहल। चलिए तो चलते हैं, ताजा आगे जा चुका है। गाइज यहाँ से आए थे अभी हम, और यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ ये भी बंद कर रखा है, ताला है यहाँ पे भी, ऊपर भी देखिए बहुत सारा दिख रहा है जाने का, ऐसे जीना है ऊपर जाने का जो मैं आपसे कह रहा था। तो ये जीना भी देखिए, जीना है तो ऊपर जाने का, पर ऊपर यहाँ पे लॉक लग रहा है, तो ऊपर जाने का कुछ फायदा नहीं है, ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा फिर भी मतलब पब्लिक के लिए खोल नहीं रखा है कि सेफ नहीं है, कोई गिर विर जाए। और देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये किला बहुत ही ज़्यादा बंद कर रखा है वैसे तो, कि यहाँ पे बेसमेंट में भी जाने के रास्ते हैं, बेसमेंट में भी पता नहीं क्या क्या राज छुपे हुए होंगे। देखिए कितनी अंदर है गेट, और देखिए यहाँ पे सब जगह ताले लगा रखे हैं, और यहाँ पे एक कुआ है, तो राजा भी मेरे से बता रहा है कि इसमें पानी है। और देखिए इस कुएं के अंदर पानी है, बेसमेंट में बंद कर रखा होगा। और देखिए इस कुएं के अंदर पानी है, वो भी बिल्कुल साफ पानी दिख रहा है। तो क्या कहता है कि कुआ एक है और एक और कुआ है, कहाँ इसे अभी राजा यहाँ देखने गया था, इसके अंदर चूहे चूहे हैं। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, देख तू भी तो देख, तू कबूतर कैसे जा सकता है इतनी पतली पतली में से। अच्छा देखिए यहाँ से पटरियाँ, तो देखिए यहाँ से जाली टूट रही है, तो कबूतर यहाँ से गया होगा, तो हाँ तो वही तो कह रहा मैं, रास्तों में से घुस गया होगा। हाँ देखिए गाइस आई थिंक देखिए वो रहा, तो कबूतर ने हमें लाइव डेमो दिखा दिया, वहां से जाके अंदर कुएं में है, एक इस कुएं के अंदर भी है कबूतर। तो मैं सोच रहा था कि ये जो नीचे बेसमेंट में जाने के दरवाजे हैं, क्या पता, तो क्या पता कबूतर इसके अंदर से अंदर गया हो। से एक और गेट, और देखिए गाइस इस साइड ये कैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पतला दीवार है यहाँ पे। और देखिए यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है एक, पर यहाँ पे बड़ा सा गेट लग रहा है एक, देखिए दिख रहा होगा आपको, तो जाने का कुछ फायदा ही नहीं है, तो जाने का कुछ फायदा ही नहीं है, तो चलते हैं। तो गाइस ये तब सारा किला, और देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी भी है, ये भी कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे वैसे पब्लिक को नहीं जाने देते ग्रीनरी में, तो चलिए अब चलते हैं सीधा बाहर। तो गाइस चलिए हम बाहर चलते हैं, सीधा मिलते हैं बाहर चल के। तो गाइज यहाँ पे हम किले के साइड में ही बैठे हैं, बाहर आ चुके हैं हम पार्किंग के पास, तो यहाँ पे कुछ खा पी रहे हैं। तो राजा ने आलू का पराठा मंगाया है, और मैंने मंगाया छोले भटूरे, तो अभी आ रहे हैं छोले भटूरे और खा पी के चलते हैं आगे। तो गाइज पार्किंग में आ चुके हैं हम, तो अब सीधा यहाँ से चलते हैं, यहाँ से है हमारा घर मेरठ
235 किलोमीटर, तो लगभग 5-5.5 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमने अभी आगरा किला देखा है, तो ये जितना हम सारा घूमे 25% खोल रखा है, 75% बंद कर रखा है। ये सारा आर्मी के अंदर है जो 75% बंद कर रखा है, तो ये सिर्फ 25% घूमे हम। सोचो 25% इतना सारा अगर ये पूरा खोलते तो कितना बड़ा है, मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, पर सारा बंद कर रखा है। चलिए तो चलते हैं सीधा मेरठ।